यमुनानगर में टेक्निकल यूरिया की आड़ में चल रहे किसानों के यूरिया के काले कारोबार का जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा। इन काले कारोबारियों को रोकने के लिए न सिर्फ हरियाणा सरकार की टीमें बल्कि सीधे केंद्र की टीमें भी छापेमारी कर एक के बाद एक इसकी परतों को खोलने में लगी हुई है। इसके तहत तक जाकर कार्रवाई भी की जा रही है, जिसमें इसके पूरे नेटवर्क का पता चल सकेगा कि कौन कौन इसमें शामिल है। पिछले डेढ़ महीने से अब तक इस मामले में विभाग द्वारा 10 FIR दर्ज की जा चुकी है और रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। अधिकारियों की माने तो अब यूरिया की काला बाजारी करने वालों की खैर नहीं है, बिना रुके ये कार्रवाई विभाग द्वारा जारी रहेगी। वहीं उन्होंने बताया कि हाल ही में करेहड़ा में किसान सेवा केंद्र पर छापेमारी की गई थी, आज उसकी सील खोलकर सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है और अगर शुक्रवार तक किसान सेवा केंद्र का संचालक दस्तावेज ना दिखा सका तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अभी तक पिछले डेढ़ दो महीने की जो पायलट हुई है उसमें हमने 3-4 रेड किए हैं, उनमें लगभग यमुनानगर में 10 FIR दर्ज हो चुकी है और कुछ जो हमारे डीलर है या लाइसेंसी है उन पर भी हमने कार्रवाई की है और 3-4 लाइसेंस हमने रद्द किए हैं पहले और इसी उसमें हमने 27th को भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दो टीमें आई थी, हमने रेड की थी तो 3-4 स्थानों पे, तो उसमें हमने टेक्निकल ग्रेड इंडिया के भी सैंपल लिए थे और वो फरीदाबाद लैब को भेज दिए गए थे उसकी टेस्टिंग के लिए। और जो हमारे लाइसेंसी थे, एक जो ये किसान सेवा सेंटर था उसको हमने सील किया था क्योंकि उसने कोऑपरेट नहीं किया था, उसको हमने उसी दिन शो का नोटिस दिया हुआ है, तो आज वो अपने डॉक्यूमेंट उसने कल हमारे ऑफिस में दिए हैं RTD का ऑफिस में और उसका वो रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और आज हमने उसी की ही प्रेजेंस में और DDA यमुनानगर QCI STO प्रेजेंस में उसको सील को खोला है और उसका सारा रिकॉर्ड वहाँ से लिया है और उसकी हम जांच करेंगे और उसके एज पर FCO कार्रवाई की जाएगी। गौर हो कि बीते दिनों विभाग ने कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर गोदाम में छापेमारी करने के साथ साथ कई जगहों पर यूरिया के सैंपल भी भरे थे जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन किसानों के लिए बनाई गई यूरिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। वहीं बीते दिनों विभाग की कार्रवाई के बाद कई गोदाम मालिकों को नोटिस देकर दस्तावेज जमा कराने के लिए भी कहा गया है, साथ ही दस्तावेज न होने पर लाइसेंस रद्द करने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जांच के बाद इस मामले में विभाग द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और इस काले कारोबार पर कब तक लगाम लगता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।